हेलो दोस्तों, तो हाजिर है टेक न्यूज के एक नए कमाल तड़कते भड़कते एपिसोड के साथ में, जिसमें बात करेंगे देश और दुनिया की टेक न्यूज से रिलेटेड ढेर सारी खबरों पर। तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले हर बार की तरह आते हैं अपने पोल सेगमेंट में, लेकिन पिछला पोल हो गया दोस्तों काफी पुराना, तो उस पर बात करना अब तो है बेकार। सबसे पहले सीधे आ जाते हैं अपने आज वाले सवाल पर। आपको बताना है पोल सेगमेंट में दोस्तों, आपको स्मार्टफोन्स की रेंज में परफेक्ट आपके लिए कौन सी रेंज लगती है, आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जवाब आप अपना सेलेक्ट करके दे सकते हैं। तो बिना देरी के आते हैं सबसे पहली खबर पर, जो कि आ रही है सैमसंग गैलेक्सी S21 यानी कि फ्लैगशिप स्मार्टफोन को लेके। जनवरी 2021 में रूमर है कि ये लॉन्च हो सकता है, डेट भी इसकी प्री बुकिंग वगैरह की बहुत सारी सामने आ चुके हैं, लेकिन नई जो खबर आ रही है दोस्तों वो है इसके डिस्प्ले को लेके। बताया जा रहा है कि इसमें हमें देखने को मिलेगी WQHD LPPO डिस्प्ले, जिसकी वजह से हमें 1440 पिक्सल और साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट डिस्प्ले पे देखने को मिलेगा। वैसे प्रोसेसर को लेके भी जानकारी दोस्तों बहुत सारी इसके सामने आ चुकी है। इंतजार करते हैं दोस्तों कि आखिर ये जनवरी में लॉन्च होता है, उससे पहले इसकी प्राइस वगैरह को लेकर भी डिटेल सामने आ जाए कि कितने में कंपनी इसे करेगी लॉन्च। अगली खबर भी दोस्तों ओप्पो से है। हमने स्मार्टफोन तो ओप्पो के दोस्तों बहुत सारे यूज कर लिए, लेकिन अभी तक टैबलेट और साथ में इसकी नोटबुक जैसी कोई भी चीज मार्केट में नहीं आई है। लेकिन अब दोस्तों मार्केट में रूमर चल रहा है कि अगले साल की शुरुआत यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में हमें ओप्पो के टैबलेट और साथ में इसकी नोटबुक यानी कि लैपटॉप जैसे डिवाइसेस दोस्तों देखने को मिल सकती हैं। उनमें क्या क्या मिलेगा दोस्तों और बाकी कितने ब्रांड्स को, क्योंकि इसमें चाइनीज ब्रांड दोस्तों नोटबुक वगैरह पे भी काफी ध्यान दे रही है। ऐसे में अगर ओप्पो लेके आती है तो इंतजार करते हैं दोस्तों कि चाइनीज ब्रांड आपस में एक दूसरे को कितनी टक्कर दे पाते हैं। इसके बाद अगली खबर है दोस्तों मीडियाटेक के नए चिपसेट को लेके, जो कि 6nm मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर बनाया जाएगा। अभी से दोस्तों खबर आ रही है कि ये बिल्कुल राइवल होगा सैमसंग के एक्सोनोस 1808 5G प्लेटफॉर्म पर। वैसे इसका जो आर्किटेक्ट होगा वो भी बिल्कुल सैमसंग के ही 1808 चिपसेट की तरह दोस्तों डिजाइन किया जाएगा, जिसमें कि हमें माली GPU G77 हमें देखने को मिलेगा दोस्तों चिप, और साथ में हमें प्रोसेसर भी दोस्तों बिल्कुल इसी चिपसेट के कंपैरिजन में देखने को मिलेंगे। बाकी अभी आपको बता दूंगा, रातों को स्कोर की बात करें तो 6 लाख से ऊपर स्कोर इस सैमसंग के एक्सोनोस 1808 ने गेन किया है। तो देखते हैं कि मीडियाटेक का ये 6nm मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बना हुआ चिपसेट कितना स्कोर गेन करता है और कितने पावरफुल इसके 5G स्मार्टफोन दोस्तों आने वाले दिनों में बनते हैं। इसके बाद अगली खबर है दोस्तों, वीवो के V20 ऐसी स्मार्टफोन का एक नया कलर वेरिएंट इंडियन मार्केट में दोस्तों आ गया है। दो कलर तो आपको पहले ही पता है, लेकिन एक ये नया एक्वा मरीन ग्रीन कलर भी दोस्तों मार्केट में आ गया है। Amazon Flipkart दोनों ही जगह आपको ये मिल जाएगा। प्राइस की अगर आप पूछना चाहें तो प्राइस भी आपको बता देते हैं, Vivo V20 SE स्मार्टफोन का ये नया कलर वेरिएंट दोस्तों 20,999 से दोस्तों आपको अलग अलग रैम और इंटरनल स्टोरेज साइज में दोस्तों मिलेगा। अगर आप चाहें तो चेकआउट इसे कर सकते हैं। तो अगली खबर है दोस्तों, नोकिया के दो नए 4G स्मार्टफोन नोकिया 6300 और नोकिया 8000 के बारे में मार्केट में चर्चा पिछले हफ्ते दोस्तों शुरू हुई थी। अब नया नोकिया 8000 का पोस्टर एक लीक हुआ है, जहां से इसकी डिजाइन के बारे में दोस्तों बहुत कुछ कंफर्म हो रहा है। हमें डिजाइन इसके एजेस पे दोस्तों कफ देखने को मिलेगा, उसके अलावा हमें कीपैड देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन पे। बहुत ज्यादा बड़ी डिस्प्ले नहीं है, लेकिन दोस्तों ग्लास लाइक डिजाइन देखने को मिलेगी। अब ये इसकी बॉडी मेटल की बनी है या फिर दोस्तों प्लास्टिक के ऊपर हमें ग्लास फ्रिज देखने को मिलेगा, इंतजार करते हैं इसके और भी ढेर सारे फीचर्स और दोस्तों इस फोन के लॉन्चिंग डिटेल्स सामने आने का। इसके बाद अगली खबर है दोस्तों, OnePlus Nord सीरीज में एक और नया फैमिली मेंबर Nord SE दोस्तों लॉन्च होने वाला है, ऐसी खबर आ रही है मार्केट में, क्योंकि इसको लेके बहुत सारे दोस्तों स्पेक्स भी सामने आ चुके हैं। इस स्मार्टफोन में 65W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। खबर ये है कि इस सीरीज का ये SE स्मार्टफोन हमें अगले साल यानी कि 2021 की शुरुआत में यानी कि जनवरी या फरवरी की शुरुआत में दोस्तों देखने को मिल सकता है। अब कंपनी कब तक इसे लॉन्च करने जा रही है, क्योंकि Nord सीरीज में Nord फोन स्मार्टफोन लॉन्च होने के बाद Nord 10 और Nord 100 भी दोस्तों ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। अब इस स्मार्टफोन की क्या प्राइस रेंज रहती है और क्या क्या स्पेसिफिकेशन हमें इस स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं दोस्तों, इंतजार करते हैं। और इसके बाद आज की आखिरी खबर है दोस्तों, Netflix Direct एक नई सर्विस है जो कि फ्रांस में कंपनी ने की है फिलहाल लॉन्च, जिसमें कि टीवी चैनल की तरह दोस्तों
जो इंसान को पसंद है, मतलब जो यूजर है, सब्सक्राइबर है, वो कैसे कंटेंट देखना पसंद करता है, उससे रिलेटेड उसको एक टीवी चैनल की तरह दोस्तों कंटेंट जो है रिकमेंड किए जाएंगे और वैसे ही कंटेंट दोस्तों को शो किए जाएंगे। अब बाकी सर्विस के बारे में अभी बहुत कुछ तो नहीं पता है और किस चार्ज में ये देखने को मिलेगी या फिर जो भी जो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है उसी में ये सर्विस भी मिल जाएगी। बाकी दोस्तों इंतजार करते हैं क्या ये फ्रांस के अलावा बाकी दूसरी कंट्रीज में यानी कि ग्लोबली इसको लॉन्च करता है नेटफ्लिक्स। इंतजार करते हैं दोस्तों, सारी खबरें सामने आ जाएंगी। बाकी दोस्तों फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। अब आते हैं फटाफट से अपने गेम वाले सवाल पर। आपको बताना है कि नोकिया के किस स्मार्टफोन के बारे में मैंने आज के टेक न्यूज में आपको जानकारी दी है, तो दोस्तों अपने जवाब फटाफट से नीचे कमेंट करके देना शुरू कर दीजिए। बाकी वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों रखिए तब तक अपना ख्याल, जुड़े दिमेश के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।